आज बेसिकली हम जा रहे हैं एक नई वीडियो बनाने के लिए। वीडियो बहुत अलग से होने वाली है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं अपनी जेन में हूँ एंड सामने जा रही है मेरी रेनॉल्ट ट्राइबर। दोनों दिखाता हूँ, वो रही है उनकी रेनॉल्ट ट्राइबर एंड जो आज का कंपटीशन होने वाला है, जैसे कि आपने पढ़ ही लिया किस बारे में है। सो बेसिकली दोनों 1000 CC गाड़ियाँ हैं एंड हमने चेक करना है किसमें पावर ज़्यादा है किसमें नहीं है। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि देख रहे हैं, आज हमारे पास जेन एस्टीलो एंड रेनॉल्ट ट्राइबर है। जैसे कि आप सबको पता है कि ये दोनों 1000 CC इंजन है एंड जैसे कि जेन एस्टीलो है 5 सीटर एंड रेनॉल्ट ट्राइबर 7 सीटर है। सो आज हम इन दोनों गाड़ियों में कंपैरिजन करेंगे कौन से किस में ज़्यादा पावर है किस में नहीं है एंड 7 सीटर के अकॉर्डिंग रेनॉल्ट ट्राइबर कितनी अच्छी परफॉर्मेंस करती है कितनी नहीं करती एंड जो जेन एस्टीलो है पुरानी बहुत पुरानी गाड़ी है एंड जो ट्राइबर है वो बहुत रीसेंट 2020 मॉडल है, ये 2010 मॉडल है। लेट्स सी कौन सी गाड़ी कंपीट करती है एक दूसरे को एंड वीडियो एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। ऑफ वार करने वाले हैं जेन एस्टीलो एंड पीछे हमारे रेनॉल्ट ट्राइबर। दोनों 1000 CC का इंजन है एंड मैं आपको बताता हूँ टायर साइज़ भी बताता हूँ दोनों के कि क्या डिफरेंस है, बट इंजन जो है वो सेम है। कि आप देख रहे हैं टायर साइज़ जो मेरी इस गाड़ी में है जेन एस्टीलो में 175/50 13 इंच का टायर है एंड जो ट्राइबर है उसका भी प्रोफाइल बताया था मैं आपको, एक सेकंड होल्ड करना। और जो रेनॉल्ट ट्राइबर इसका 185 है, मींस ये ज़्यादा चौड़ा है बट जो इसका व्हील बेस है वो 15 इंच का है। तो लेट्स सी क्या रिस्पांस आता है, कौन सी गाड़ी विन होती है कौन सी नहीं जीतती है। जैसे कि दोनों गाड़ियाँ सामने खड़ी हो चुकी हैं एंड दोनों 1000 CC की हैं बट वो छोटी लग रही है जेन एस्टीलो एंड रेनॉल्ट ट्राइबर बहुत बड़ी लग रही है। तो 15 इंच के टायर 13 इंच के टायर, इंजन सेम है। लेट्स सी कौन जीतती है कौन नहीं जीतती है। तो रस्सा जो हम बांधेंगे वो हम बैक साइड से बांधेंगे एंड आपको दिखाएंगे, देखते हैं रस्सी टूटती है क्या होता है। तो सो भाई गाड़ी लगाने लगे हैं आमने सामने एंड ये तो जेन अपनी जगह सही पे है एंड रेनॉल्ट ट्राइबर 1000 CC देखो कितना बड़ा जहाज है और हमारी छोटा सा पिद्दू सा, लेकिन देखते हैं छोटा है धमाकेदार होना चाहिए, वो बड़ी है अभी कुछ सोचा नहीं है कि देखा नहीं है कुछ ये पहली वीडियो। वैसे तो मैंने देखने जा रहा हूँ कि पहली वीडियो है पूरे YouTube पे किसी ने जेन एस्टीलो एंड रेनॉल्ट ट्राइबर का कंपैरिजन किसी ने नहीं किया, तो ये पहला एक वीडियो है जो कि YouTube पे आने वाला है। आई होप आप सबको पसंद आएगा, पसंद आएगा प्लीज़ यार इसको शेयर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ सब में फैला दो यार। तो अभी हम बांधने जा रहे हैं दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे के साथ और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि कौन जीतती है कौन नहीं जीतती। टोटल हम 3 ट्राई करेंगे एंड लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। तो जेन एस्टीलो में तो पूरा हुक दिया हुआ है इन्होंने नीचे जहाँ पे लग जाएगा, दिखाता हूँ मैं आपको इसको डबल करके। ये रहा नीचे हुक एंड जेन एस्टीलो में तो मिल गया बट रेनॉल्ट ट्राइबर के लिए डबल करके ही करेंगे डबल करके। तो भाई आपको क्या लगता है तो आपको क्या लगता है भाई? कोई बात नहीं, मैं क्या फील मजा नहीं बोला, आज हम करेंगे दोनों गाड़ी का कंपैरिजन कि कौन जीतती है। तो भाई तो भाई मुझे नहीं लगता किसी ने ट्राई किया होगा, किया भी होगा थार में किया होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में किया होगा, 4x4 में किया होगा, बट इस गाड़ी में किसी ने मुझे नहीं लगता किसी ने कंपैरिजन किया। तो आज हम पहली वीडियो बनाने जा रहे हैं, आई होप आपको पसंद आएगी। बार बार बोलूँगा पसंद आएगा तो शेयर करना है भाई, शेयर करते रहो, बड़ी मेहनत कर रहे हैं इस बार, देख सकते हैं कितने बंदे इकट्ठे किए हैं। देख ले यार देखिए गाड़ी के लिए क्या क्या करना पड़ता है। वीडियो शुरू करने से पहले फीडबैक लेते हैं कि लगता क्या है सबको कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। पहले भाई से पूछते हैं, भाई तुझे क्या लगता है कौन जीतेगी कौन सी गाड़ी? के इक्वल आएंगे दोनों गाड़ी। वो कैसे? दोनों में बराबर 1000 CC का इंजन है तो इसलिए इक्वल आएंगे दोनों। लेट्स सी क्या होता है, एक और भाई उनसे भी लेते हैं फीडबैक, वो पहले भाग रहे हो देखो तो भाई अपने दोनों बड़े भाइयों से पूछते हैं कि कौन सी गाड़ी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। दोनों में पावर इक्वल है तो बराबर ही सब काम। तो आपको क्या लगता है, मतलब साइज के अकॉर्डिंग और साइज के ट्राइबर हिसाब से तो आपको बताया कि दोनों 1000 CC फाइनली मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो हम टेस्ट करने वाले हैं, दिखाने जा रहा हूँ सिंपल
तो देखिए वीडियो, बताए कैसा लगा आपको, कैसा नहीं लगा। आता हूँ 3, 2, 1 स्टार्ट। बस तो भाई जैसा कि देख रहे हो मेरी गाड़ी का टायर देखो, हालत दिखाता हूँ आपको। ये देखो गाड़ी का टायर मेरे, ओ भाई। एंड धुएं का भी शॉट लिया, सारे शॉट लिए, इस गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। एंड हाँ, थोड़ा बहुत इसमें भी आया हुआ है, देख सकते हैं आप। तो ये देखें बर्नआउट के निशान। अब आकाश भाई चला रहे हैं, जेनेसिस एंड अक्षय भाई चला रहे हैं, ट्राइबल। मैं चलता हूँ दूसरी साइड। एंड सो बेसिकली रस्सी टूट गई है, मेरे को फिर से नीचे जाना पड़ेगा उसको लगाने के लिए। एंड जैसा कि अब लगाने लगे हैं, फिर मिलते हैं आपको लगाने के बाद। आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा है भाई, देखना रस्सा ठीक है, दोनों को आपस में बांधा। जैसे कि आपने दोनों राउंड देखे, एंड दोनों में एक, दोनों में भाई जीता। एंड पहले वो ट्राइबल चला रहा, देन जेनिस सीलो। तो अब हमने जो चेंज किया, जो जेनिस सीलो जैसे कि मैं ही चलाता हूँ तो वो मैं ही चलाऊँगा, भाई ट्राइबल चलाता है वो ट्राइबल चलाएगा। तो ये फाइनल राउंड होगा और इसमें देखते हैं जो जीतेगी वही जीतेगी, ठीक है। बाकी दोनों राउंड आप बताइए कैसे लगे, कैसे नहीं लगे। और हाँ, रस्सा टूट गया था। एंड अब हमने बड़ी मुश्किल से लोकेशन भी चेंज किया, बिकॉज वहाँ पर छोटे छोटे पत्थर थे जो कि पीछे उड़ के गाड़ी पे बज रहे थे, उसकी वजह से शीशा टूट सकता था। हमने लोकेशन चेंज की है एंड रस्से को डबल टाइट किया है। तो देखते हैं आप कौन सा गाड़ी जीतती है, कौन सी नहीं जीतती है। लास्ट राउंड है, जो भी होगा यही फाइनल होगा। सो फाइनली अब जा रहा हूँ मैं अपनी गाड़ी चलाने, जेनेसिस सीलो भाई जा रहा है ट्राइबर चलाने। अब जो रिजल्ट्स आएंगे वो फाइनल होंगे, इसको सेट किए दिए। एंड देखते रहिए क्या होता है, रस्सा टूटता है, गाड़ी टूटती है, क्या होता है। रेडी 3, 2, 1 गो। रस्सा टूट गया, गलत हो गया। दो बार रस्सी, एक बार रस्सी टूट गई, दूसरी बार लगाने जाए, लेकिन फिर से जो तीसरे अटेम्प्ट था उसमें प्रॉपर नहीं हो पाया, तो रस्सी मिली नहीं। तो एट द एंड सामने जो खड़ा ना वो टेम्पो टाइप, उससे हमने रस्सी ली एंड फाइनली करने जा रहे हैं। वीडियो देखिए।
बस अभी करो, टू वन गो। भाई ऐसा क्या उसमें सेम पावर है यार। सो भाई ये रस्सा भी टूट गया, ठीक है। एंड हमने अटेम्प्ट अपने एंड से पूरा करे हैं, बट जितना मजबूत रस्सा लें तब भी कोई बन नहीं पा रहा। सो बेसिकली प्रॉब्लम पता क्या आ रहा है, ट्राइबर में हुक नहीं है। सो हम जो है नीचे वाले एक्सल से बांध रहे हैं, उस वजह से वो रस्सा टूट रहा है। एंड जो पावर है दोनों गाड़ी में मोस्टली सिमिलर है, जैसे कि आपने देखा होगा वीडियो में। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारी मेहनत की है, बहुत आगे पीछे भागे हैं हम इस चीज़ के लिए, एक छोटे से शॉर्ट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।